तो लिया, ये चुकेगा कैसे? और हमने सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का कर्ज ले लिया, कई हजार करोड़ का कर्ज। और आज मैं कह रहा हूँ मुखारी वाला यज्ञ चल रहा होगा देश के आशीर्वाद से, पुरानी स्टाइल है, आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता गुरुजनों बड़ों के आशीर्वाद से। और एक बालक है हमारा, उसका नाम ही आशीष है, आशीष के आशीर्वाद से। ऐसे एक पूरी श्रृंखला है, वो मैं कल पूरा लेखा जोखा रख दूंगा, क्योंकि आज शाम तक कल जिसको कहते हैं ना, अभी शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट के बारे में 1% हिंदुस्तानी ठीक से समझते, और वो भी समझते कि नहीं समझते, भगवान ही मालिक है। हमने जब कल लॉन्च किया बेस प्राइस 1000 से, तो 99% लोगों को समझ में नहीं आ रहा स्वामी रामदेव करके आ रहे, बोले लगता है जो ये कार्य करता उसको प्रमोटर बोलते हैं, बोले लगता है प्रमोटर के तौर पर स्वामी रामदेव को किसी ने बहका दिया है। जब शाम को इशू पूरा हुआ, हमें चाहिए थे 2500 करोड़, हमें मिल गए 6-7 हजार करोड़, डबल सब्सक्राइब हुआ इशू। तो बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता, हजारों करोड़ रुपए लोगों ने ऐसे भर भर के दे दिया, हमने उसमें से आधा भी नहीं लिया ठीक से। आज रिटेल का भी खुल जाएगा, जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके साइज हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख करोड़ के, उन्होंने भी दुनिया का स्वदेशी का जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें भर भर के अपनी आहुतियां दी, एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। जो मैं आपसे बात कहता हूं ना, आप अपने इरादे पर पक्के रहो, आपके नियत में खोट नहीं होना चाहिए, और आपकी मेहनत में, आपके पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए। ये जब पूरी दुनिया में बात होती है ना, तो पूछा जाता है, मुझसे भी पूछते थे, व्हाट इज योर विजन अबाउट पतंजलि। सो एवरीवेयर आई टॉल्ड दैट माय विजन इज सर्विस ऑफ सोसाइटी, माय विजन इज सर्विस फॉर ऑल, सबकी सेवा। बहुत सारे ब्रांड खड़े होते हैं सेलिब्रिटीज से, बिहाइंड पतंजलि ब्रांड देर इज नो एनी सेलिब्रिटी, देर इज नो बैकिंग ऑफ एनी बिजनेस हाउसेस, नो पॉलिटिकल बैकिंग, नो बिजनेस बैकिंग। आज से 30 साल पहले देर वर नो एनी कॉर्पोरेट हाउस, कोई ये था ही नहीं, नो इन्वेस्टर्स, कोई इन्वेस्टर्स भी नहीं थे, कोई बड़े प्रोफेशनल्स भी नहीं थे। गुरुकुल के पढ़े हुए 2 ब्रह्मचारियों ने यात्रा शुरू की, पूज्य आचार्य बागशन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग 35-38 वर्षों से इस यात्रा में सहयात्री रहे, चलते रहे, और हाँ मैंने कहा हमारे पास में, हमने शुरू किया, we started this brand through charity and ultimate goal is our charity। हम कुछ भी प्राप्त करेंगे, what we will achieve through this process, फिर हम यूज करेंगे उसी को चैरिटी में। चैरिटी से हम शुरू हुए थे, चैरिटी हमारा अंतिम गंतव्य है। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वी हैव स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वी हैव क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वी हैव रिसर्च एंड इनोवेशन, और अवर रीच, सबसे बड़ी बात होती है रीच और डिस्ट्रीब्यूशन की पूरे सारे संसार में। तो मैंने कहा हमारे रीच है 200 करोड़ लोगों तक, और हमने अपने रीच को लगभग 100 करोड़ लोगों को हमने कस्टमाइज कर लिया, और दुनिया के 200 देशों तक अपनी रीच को बढ़ाना है, और पतंजलि को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है, ये हमारा लक्ष्य, दिस इज अवर विजन।
पतंजलि यूनिलीवर से भी बड़ा ब्रांड होगा। पतंजलि यदि डेंटल कैटेगरी में देखा जाए तो कोलगेट से भी बड़ा ब्रांड होगा। कोलगेट में है क्या? यदि क्वालिटी की बात की जाए, बेनिफिट्स की बात की जाए, तो कोलगेट से 100 गुना ज्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है दंत कांति। जब पूरी दुनिया में मैं देखता था, पूरी दुनिया में घूमा सब जगह, जब फ्लाइटों में जाते हैं विदेशों में ना, तो उसमें फ्लाइट से लेके होटल से लेके जहां देखो वही कोलगेट। मैंने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह से कोलगेट हट जाए और दंत कांति उसकी जगह प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसे वैश्विक ब्रांड बन जाए। हेयर केयर कैटेगरी में केश कांति सबसे बड़ा, डेंटल केयर में दंत कांति सबसे बड़ा, स्किन प्रोडक्ट्स में एलोवेरा एलो कांति ये सबसे बड़ा ब्रांड बन जाए, बनाएंगे। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली इक्विटी मार्केट के लोग, शेयर मार्केट के लोग, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग, सबसे बड़े टॉप इन्वेस्टर्स वर्ल्ड के, वो पतंजलि के साथ जुड़ गए। रिटेल में करोड़ों इन्वेस्टर्स से जुड़ गए, आज मैं कह रहा हूं। और आप एक दो सालों में ही, मैं 5 साल का नहीं कह रहा हूं, 1-2 सालों में हिंदुस्तान में हम कैटेगरी वाइज सबको बीट करके सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेंगे हर कैटेगरी में। और कंपनी वाइज देश की सबसे बड़ी कंपनी होगी पतंजलि एज ए ब्रांड, एज ए कंपनी। और सबसे बड़ा काम होगा पतंजलि, पतंजलि तो एक ऋषि का नाम है, पतंजलि मात्र एक ब्रांड नहीं, ऋषि का नाम है, ऋषियों का ही काम है। अभी इतना ही पर्याप्त है। तो कुछ लोग कहते बाबा जी ये सब इतनी चीजें दिमाग में आती कहां से? आप जब योग करते हो तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका चित्त, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और उसमें जो प्रेरणा उठती है वो परमात्मा की प्रेरणा है। चलो, अनुलोम विलोम किया तुमने, कपाल भाती तो पूरा कर लिया, अब सबके हाथ ऐसे नाक से लगे हुए है, सब अनुलोम विलोम करो। पहले तो मैं 365 दिन ही बाहर रहता था, एक जगह से दूसरी जगह शिविर करता करता, चरे बेती। 14-15 तारीख को मैं निकला था। अब 1 महीने कहां, सबसे पहले मैं हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा होता हुआ, राजमुंड्री होता हुआ, राजमुंद्री पिद्दापुरम होता हुआ, फिर दिल्ली, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से होता हुआ, फिर सिंगापुर होता हुआ, फिर अमेरिका होता हुआ, दुबई होता हुआ, यहां वापस आ गया था। लोग कह रहे थे बाबा जी कर क्या रहे? तो भाई हम अपना फर्ज पूरा कर रहे थे, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। और 99% लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ये सब कर क्या रहा है। अब कल परसों आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा कि आने वाले 25-50 वर्षों में स्वामी रामदेव को क्या करना, और 2047 से पहले जब भारत अपनी आजादी का 100 वर्ष मनाएगा उससे पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक महाशक्ति कैसे बनेगा, ये स्वामी रामदेव का लक्ष्य है, इसके लिए काम कर रहा हूं। बाकी वो कबीर साहब का एक भजन है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणों में लिपट रहना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव से भक्ति से करवा देते। हमारी श्रद्धामयी विदुषी बेटी देववाणी जी एक भजन गा रही है, भजन की सेवा।
गुरु भगवान की शरणागति में रहो, और जहां गुरु प्रभु लेकर के जाए वहां चलो। पूरे देश में कानून आ, तुम्हें स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, तुम आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बनोगे, तुम्हारा धरती पर जन्म लेना धन्य हो जाएगा। एक बार योग के पथ पर, कर्म योग के पथ पर, अपने पूर्वजों के पथ पर, महाजनो येन गता सपन्था, आगे बढ़ो तो सही, अपने ऋषि ऋषिकाओं, अपने वीर वीरांगनाओं के पद चिन्हों पर, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर आगे बढ़ना तो सही। आओ अनुलोम विलोम गुरु भगवान की शरणागति में मैं भी पूरा कर लेता हूँ। धरती पर ही स्वर्ग मिला, गुरु चरणों में आकर, हाँ धरती पर ही स्वर्ग मिला, गुरु चरणों में आकर, जन्मों रो मारो भाग जगो गुरु शरणागति पाकर, जन्मों गुरु शरणागति पाकर, धरती पर ही स्वर्ग मिला, गुरु चरणों में आकर, हाँ धरती पर ही स्वर्ग मिला, गुरु चरणों में आकर, जन्मोरो मारो भाग जगो गुरु शरणागति पाकर, शरणागति पाप। सब जग बिसरा कर मैं तो पारू सर्वस गुरु चरणा में, सब जग बिसरा कर जन्मों रो मारो भाग जगो गुरु शरणागति पाकर।
Thank you.
अंतर्मुखी होकर परम जो नाव चलती है वो लगे जाते हैं तो कौन से नाव में प्लास्टिक रहे छोटी छोटी नाव पाँच छह लोग रहते बहुत सारी पैसा लेके घूमते हाँ हो ही है वहाँ तो चार दस किलोमीटर आएंगे उसमें बाहर बैठते बैठे सिर्फ शहर में आते हैं जो जंगल उनके पीछे तीन पूरी लगी रहती है उनके पीछे पूरा गोता खोल लगे रहते हैं पूरी टीम लगी रहती है उन लोगों को बैठा देते हैं उनके साथ भी रहते हैं प्लस जैसे कोई डूबे डाबे तुरंत निकालने के लिए लोग रहते हैं बेल्ट पड़ते रहते हैं Shalom.
उनकी वजह से कितनी खराब होती है, एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से कितनी खराब होती है।
और जिसकी कैंसर की दवाइयां हैं, तो सबका पहला साइड इफेक्ट के पीछे होता था। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स लें जिनकी वजह से किडनी पर इफेक्ट आ रहा हो, तो क्या हम किडनियों को किडनी को खराब कर सकते हैं और खराब करके कि हम तीनों ग्रंथि से माध्यम से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसका नाम है वैंकोमाइसिन, जो बहुत ज़्यादा यूज होती है और लगभग 35% रोगों में समझी जहाँ जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वैंकोमाइसिन, वहाँ किडनी की दिक्कत आती है। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी वैंकोमाइसिन का एक प्राइमरी कारण है और हमने इसका इस्तेमाल किया और मैं क्विकली सिम्टम को छोड़ता हुआ सीधा पहुँचता हूँ। स्वामी हमने क्या किया, हमने अपने इंसानों की किडनी की सेल्स ली और उसको स्वामी ग्रो किया। जल्दी हम हर बार एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्लैट सेल्स पे, मतलब सेल्स को ग्रो करते हैं जैसे हमारे फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई हैं ऐसे इनको ग्रो करते हैं। पर इस बार हमने क्या किया कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो चूँकि 3D में हैं, तो क्यों ना हम सेल्स को 3D में ग्रो करें और हमने उनके ऑर्गेनाइड्स बनाए, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन जैसे बना दिए और उनको एक 3-डायमेंशनल बॉल के तौर पर ग्रो किया, एक लड्डू जैसा बना लिया। लगभग 10,000 से लेके 1,00,000 सेल तक हमने काम किया समझिए, और पाया कि 10,000 सेल के साथ अगर हम 16 दिन तक रखें तो हम जी ऐसे लड्डू तैयार हुए थे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। और ये जो लड्डू है, ये जो सेल्स का एक झुंड है, एक ग्रुप है, ये वायरल स्ट्रक्चर है जो पूरी तरीके से किडनी का एक छोटा सा मॉडल तैयार हो जाता है। इसके ऊपर फॉर्म जी हमने दिया वैंकोमाइसिन, और जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि वैंकोमाइसिन के इस्तेमाल से जैसे जैसे वैंकोमाइसिन की डोज बनाई वैसे वैसे फॉर्म जी इन सेल्स का मरना शुरू हो गया। मैंने एक अंग्रेजी दवा से भी किडनी खराब होती है, लगातार बीपी किसी को लंबा समय तक बढ़ता रहे, शुगर बढ़ता रहे, कोई भी जो भी अनहेल्दी अनवांटेड अवांछित जो जीवनी जीवन में चीज़ों को आप जीते हो उसे किडनी खराब हो गई, और ये करके दिखाया है एलोपैथी की दवा से किडनी फेल करके। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं आप, वो किडनी की सेल्स मर रही हैं, जितनी हाइट है एक एक बार की उसके सेल्स मरते दिख रहे हैं। और स्वामी उन्हीं सेल्स पर अगर हम सिर्फ रीनोग्रेड डालते हैं तो स्वामी कोई सेल्स नहीं मरती है, जो राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, मैंने एक भी सेल नहीं मर रहा, एक ये बड़ा फाइंडिंग है, बड़ा निष्कर्ष, बहुत बड़ा। और बहुत बड़ी लैब है बाबा, और जब उनको हमने